हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं। लेट ए एंड बी टू सेट्स, अगर आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जहाँ पर जो ए, अगर ए में जो मेंबर होते हैं वो एक्स कॉमा वाई के रूप में लिखे जाते हैं, यानी कि पॉइंट्स के वाइज लिखा जाता है। ये जो एक्स का मेंबर होगा वो होगा ए का, और ये जो वाई का मेंबर होगा वो बी का होता है। उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, और जनरली ये होता है कि ए क्रॉस बी आप बराबर नहीं होते बी क्रॉस ए के। अगर आपको ए और क्रॉस बी फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपको ए दे रखा है, आपको बी दे रखा है, तो आप उसे ए को पहले लिखिए, बी को बाद में लिखिए। तो ए का थ्री के साथ, ए का चार के साथ, ए का पाँच के साथ आ जाएगा। फिर दो का तीन के साथ, दो का चार के साथ, दो का पाँच के साथ आ जाएगा। तो ये जो आपका हो जाएगा वो होगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी में। अगर आप इसको b क्रॉस a करेंगे तो जो वेरिएबल हैं y के वो x के प्लेस में आ जाएंगे, तो इस वजह से ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो बताने जा रहा हूँ वो है आपका रिलेशन। रिलेशन किसे कहते हैं? और रिलेशन फ्रॉम a टू b इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b। अगर आपको कोई रिलेशन फाइंड करना है a से b में, तो वो जो रिलेशन होता है आप a क्रॉस b निकालेंगे, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, या तो वही होगा या फिर उसका एक सबसेट होता है। यही चीज़ अगर आप रिलेशन निकालना है बी से ए में, तो वो चीज़ भी एक सबसेट होती है बी क्रॉस ए की। तो देखिए, अगर आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो उसका जो रिलेशन होता है वो होगा ए क्रॉस बी का सबसेट या इक्वल होता है। तो देखिए, लिख देंगे इस प्रकार से, यहाँ पर आप ए लिखिए, यहाँ बी लिखिए, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिए, तो ये जो चीज़ होगी वो आपकी रिलेशन फॉर्म करेगी। और जो भी रिलेशन बनेगा आपका, वो या तो ये पूरा का पूरा बनेगा या फिर इसके कुछ सबसेट होंगे वो रिलेशन में। अब दूसरा जो रिलेशन में बात करते हैं, रिलेशन ऑन अ सेट, वो क्या होता है? अगर आपके पास एक ही सेट है और उसी से आपको रिलेशन बनाना है, तो रिलेशन के लिए बात ये भी ध्यान रखनी होगी कि वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो रिलेशन ऑन अ सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, खुद का खुद के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, तो उसमें जो रिलेशन बनता है वो बनता है उनके खुद के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट या फिर उसके इक्वल के बराबर होता है। तो देख लीजिए, मैंने एक सेट लेट कर लिया है ए इज टू ए बी सी। तो यहाँ ए क्रॉस ए जब मैं करूँगा, तो यहाँ पर ए का बी के एक के साथ होगा, ए का बी के साथ होगा, ए का सी के साथ होगा, बी का ए के साथ होगा, तो कुछ ऐसे रिलेशन होंगे। तो मैंने लिखा है, देखिए, ए का बी के साथ, बी का ए के साथ, ए का सी के साथ, ये एक रिलेशन है। लेकिन यहाँ पर मैंने एंड करके लिखा है ए का ए के साथ, बी का बी के साथ और सी का सी के साथ। इस टाइप के जो रिलेशन होते हैं उसे हम डायगोनल रिलेशन बोलते हैं, किस सेट का? ए सेट का, जो हमने दिया होगा या जो हमने माना है। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।